नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज 22 मार्च 2024, आज की सभी महत्वपूर्ण न्यूज अपन देखने वाले हैं। देखते हैं आज क्या क्या मुख्य न्यूज आई है। प्रदेश में 376 डीएलडी की करीब 26,000 सीटों पर प्रवेश के लिए होगी परीक्षा। वीएमओयू पीटीटी के बाद अब डीएलडी की भी मिली थी जिम्मेदारी। अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय के लिए ये शर्तें हैं निर्धारित। डीसीए डीएलआईएस में प्रवेश 31 मार्च तक। 1,000 से अधिक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों के पद खाली, अब नए सेशन में हो सकेगी नियुक्ति। एमएससी और बीएससी नर्सिंग की खाली सीटों पर प्रवेश जारी। कॉलेज शिक्षा अचल संपत्ति विवरण भरने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई। नहीं बदले नियम, गहलोत सरकार ने इंटरव्यू का अधिकतम वेटेज 10% किया था। कैबिनेट की मंजूरी, फिर भी आरएस भर्ती में इंटरव्यू 80 नंबर का नहीं हुआ। बीएड कोर्स विलंब शुल्क से मुख्य परीक्षा के आवेदन की तिथि 28 मार्च तक बढ़ाई। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में पीटीएम आज। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा 31 मार्च को होगी खत्म। सत्र के 8 माह बाद पैसा जारी। 4.2 लाख विद्यार्थी अगले साल ही पहन पाएंगे यूनिफॉर्म। 3 साल से विभाग ने नहीं बढ़ाया सिलाई का पैसा। उपलब्धि, परी प्लानिंग से मिली सफलता। इसी माह शेष सेमेस्टर फर्स्ट के रिजल्ट जारी करने की तैयारी। बीकॉम फर्स्ट ईयर का परिणाम जारी। राज्य में एनईपी में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाला विश्वविद्यालय बना जीटीयू। और दोस्तों ये एग्जाम गाइड क्वेश्चन ये आप जरूर देखा करो, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो ये आप पीडीएफ के माध्यम से देख लिया करो, पीडीएफ आपको मिलती है टेलीग्राम पर। आचार संहिता, प्रमोशन व थर्ड ग्रेड की नई नियुक्तियां भी अटकी। स्कूलों में हर साल दाखिला बढ़ाने का मिलता है टारगेट। शिक्षा विभाग में बोर्ड परीक्षा के बाद तबादले शुरू होने की थी उम्मीद, अब लोकसभा चुनाव के कारण शिक्षकों का इंतजार और भी लंबा होना तय। बीते दिनों भाजपा सरकार ने सभी विभागों में तबादले किए लेकिन शिक्षकों को वंचित रखा। 72,000 शिक्षक डार्क जोन जिलों में कार्यरत। स्कूल लेक्चर भर्ती 2022, गिरफ्तार आरोपी सरकारी शिक्षक। आरोपी कमला के भाई ने ही उपलब्ध करवाई थी फर्जी डिग्री, एसओजी ने धरा। आरोपियों ने अनुचित तरीकों से हासिल की मेरिट में रैंक। सरकारी स्कूलों में विकास एवं बच्चों के लिए सुविधाओं के लिए बजट मिलता है। कई ब्लॉकों में करोड़ों रुपए का बजट खर्च करना बाकी। रोज 11 दिन लगातार 41.65 लाख रुपए खर्च करेंगे तब 100% उपयोग होगा। स्कूलों ने बजट खर्च में भर्ती कंजूसी। 11 दिन में खर्च करने होंगे 4.58 करोड़, वरना लैप्स हो जाएंगे। 22.35% राशि खर्च बाकी। गृह राज्य मंत्री जवाहर बेडम के नेतृत्व में राजस्थान कॉलेज के निजी संघ के पदाधिकारियों की हुई वार्ता के बाद विश्वविद्यालय ने बदला फैसला। 125 कॉलेज की संबद्धता का रास्ता साफ। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के 60,000 छात्रों को अब बढ़ी हुई फीस वापिस लौटाएगी ब्रज यूनिवर्सिटी। इग्नू में जनवरी 2024 सत्र में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि अभी 31 तक। जेईई मेन मार्च के अंतिम हफ्ते में आ सकती है इंटीमेशन स्लिप। परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व अभ्यर्थियों को गाइडलाइन जारी। स्कूलों में मेगा पीटीएम आज, स्टूडेंट की प्रोग्राम प्रोग्रेस बताएंगे। वीएमओयू दो ऑनलाइन कोर्स में प्रवेश। खेल प्रशिक्षण और हॉस्टल्स के लिए 35 लाख का बजट जारी। नए भर्तियों में कई अभ्यर्थी होंगे बाहर। एक दिन के कारण 2 लाख के सामने
ओवरेज होने का संकट। ब्रिज कोर्स के चलते पूरा नहीं हो पा रहा कक्षाओं का कोर्स। RKSMB के हर माह 100 करोड़ अतिरिक्त वे बंद करने की उठी मांग। स्कूलों में बाल विवाह की रोकथाम के लिए विद्यार्थियों को करेंगे जागरूक। शिक्षा निदेशालय ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को किया निर्देशित। अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा जैसे पर्व पर बाल विवाह की जद रही आशंका। नवाचार, ओपन बोर्ड में 10वीं 12वीं के विद्यार्थी पहली बार घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूरक परीक्षा के आवेदन अभ्यर्थी बिना शुल्क विलंब शुल्क के 29 मार्च तक भर सकता है। 2022 की भर्तियों का मामला कमला व ब्रह्मा कुमारी समेत 11 को पुलिस के हवाले किया। वरिष्ठ अध्यापक सहित 3 भर्तियों में 8 डमी कैंडिडेट व 2 फर्जी डिग्री से नौकरी का प्रयास करने वाले को पकड़ा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती अनुपस्थित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 को होगी। स्टूडेंट की बड़ी दिलचस्पी, 500 से अधिक आवेदन आए। 12वीं की राजनीतिक विज्ञान और एग्रीकल्चर साइंस विषय की परीक्षा हुई। AP लाइब्रेरियन MPTI परीक्षा 2023, एक दिन में 13 विषयों के 26 पेपर, 31 को अजमेर में परीक्षा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सुरक्षित रहेगा संभाग के 4.20 लाख कॉलेज छात्रों का रिकॉर्ड। छाबड़ा कॉलेज की परीक्षा अब खालसा कॉलेज में होगी। अब LT, ARG, NM व नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में बाहरी राज्यों की डिग्रियों की होगी जांच। चिकित्सा विभाग की नोटी में बनाए 10 राज्यों के छात्रों के लिए चलेगा ये प्रोसेस। तो ये थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आप वीडियो देखा करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहती है। धन्यवाद।